नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, लेकिन राजस्थान में भारत के जल की उपलब्धता की दृष्टि से 1.16% जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान जैसे प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का विशेष महत्व है। राजस्थान की नदियों से न केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, बल्कि जहाँ जहाँ विद्युत जल विद्युत की उपलब्धता भी करवाई जाती है। राजस्थान के नदियों को अफवाह क्षेत्र में प्राचीन काल से भिन्न भिन्न परिवर्तन हुए। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना संरचना अरावली श्रृंखला तथा भारत की महान जल विभाजक भारत की महान जल विभाजक विभाजक की अवस्थिति ने राजस्थान की अफवाह प्रणाली को सबसे अत्यधिक प्रभावित किया। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पर अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, दूसरे नंबर पर बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां, तीसरे नंबर पर आंतरिक प्रवाह। राजस्थान के अपवाह तंत्र का अरब सागरीय हिस्सा 16% है, बंगाल की खाड़ी में 24%, आंतरिक प्रवाह 60 या 61% के लगभग मानते हैं। अरब सागर अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली, दूसरे नदियां खंबात की खाड़ी में गिरने वाली। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्यतः लूणी और पश्चिमी बनास प्रमुखतः है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में साबरमती, माही मुख्यतः है। लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी की सहायक नदियों में जोजरी, मीठड़ी, खारी, लीलड़ी, गुहिया आदि प्रमुख नदियां हैं। पश्चिम बनास की अगर सहायक नदियों की बात करें, इसमें सीपू प्रमुख है, पश्चिम बनास की सहायक नदी। साबरमती की सहायक नदियों में हथमती, वाकल, माजम आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही में सहायक नदियों की अन्नास, चाप, सोम, जाखम मुख्यतः माही की सहायक नदियां हैं। अगला बात करते हैं अपन बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्यतः बाणगंगा और चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्यतः नदी है। बाणगंगा की सहायक नदी गंभीर नदी है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें, इसमें बनास, कुराल, मेज, काली सिंध आदि मुख्यतः, एक परवन आदि मुख्यतः मुख्य नदियां हैं। आगे बनास में वापस इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो कोठारी, खारी, मानसी,
मोरेल आदि बनास की सहायक नदियां हैं। अब अगर हम आंतरिक प्रवाह की बात करें, आंतरिक प्रवाह राजस्थान का 60 से 61% भाग है। आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियों में गग्गर, कांकणे, इसका दूसरा नाम है, और एक कांतली आदि मुख्य नदियां हैं। गग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, 956 किलोमीटर है। कांकणी या कांतली नदी, कांकणी नदी को ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। कांतली नदी पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये 100 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे हम अगर बात करें लंबाई की दृष्टि से, राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। चंबल नदी पर ही राजस्थान में सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। जो 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर, चंबल नदी ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। यह राजस्थान तथा एमपी के मध्य की सीमा बनाती है। अगली बात करते हैं राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, तो उसमें आती है बनास नदी, जो 480 किलोमीटर लंबी है। यह राजस्थान में ही बहती है, रामेश्वरम के पास में जाके ये चंबल में मिल जाती है। अगला बात करते हैं अगर अपन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का क्रम, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का क्रम देखें तो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है। उसके बाद में लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, चंबल का 20% है, लूनी का 10.40% है। उसके बाद बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है, 9.60% है। उसके बाद माही का अपवाह क्षेत्र है, 4.60%। हम जानते हैं कि बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। अगर चंबल को अलग से अपवाह क्षेत्र की बात करें, केवल चंबल के, जो कि परवन काली सिंध नदी लेके आती है, तो चंबल का अपवाह क्षेत्र 5.40% ही है। इसको अलग करके जोड़ें तो क्रम में सबसे पहले लूनी आएगी, फिर बनास आएगी, फिर चंबल आएगी और फिर माही आएगी। इसी तरह जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से बात करें जल ग्रहण क्षेत्र दृष्टि से क्रम की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता बनास नदी की है, 27.48%। उसके बाद में लूनी नदी 20.21%। उसके बाद में चंबल नदी 17.18%। और उसके अंत में क्रम है चौथा माही नदी का, 9.46% क्रम। अगला बात करते हैं अगर जल की उपलब्धता की दृष्टि से क्रम की बात करते हैं, जल उपलब्धता की दृष्टि से जल उपलब्धता में सबसे पहला नंबर पर आती है माही नदी, फिर चंबल नदी, फिर बनास नदी, फिर लूनी नदी। जल उपलब्धता की दृष्टि से कहने का मतलब है माही नदी में सबसे ज़्यादा जल उपलब्ध रहता है, सबसे उपयोग ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है माही नदी का जल। उसके बाद में चंबल का, उसके बाद बनास का, उसके बाद लूनी नदी का जल सर्वाधिक उपयोग लिया जाता है। आगे अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ। तो 3 नदियाँ हैं राजस्थान की,
राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहती है। इनका शॉर्ट ट्रिक है चंबल। तो कौन कौन सी, जैसे चंबल, बैसी, बनास, लैसी, लूनी, ये राजस्थान की तीनों नदियां चंबल, बनास और लूनी राजस्थान के 6 जिलों से होकर के बहती हैं। अगली अगर अपन बात करते हैं चूरू और बीकानेर, राजस्थान के दो एक ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। वैसे गंगानगर में भी कोई नदी नहीं है, लेकिन घग्गर नदी जब बाढ़ की स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति में तो इसका पानी गंगानगर तक आ जाता है। इस कारण हम इसको बिना जिलों, नदी वाले जिलों में नहीं गिनेंगे। इससे आगे हम अगर चर्चा करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की बात करते हैं तो ये आता है कोटा का नाम। न्यूनतम नदियों वाला संभाग तो इसमें आता है बीकानेर। सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है तो उसमें आता है उदयपुर। सर्वाधिक नदियां किस जिले से प्रवाहित होती है तो इसमें झालावाड़ का क्रम आता है। राजस्थान की माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आगे अगर अपन बात करते हैं, भारत सरकार ने राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड बोर्ड की स्थापना की थी। इसी भूमिगत जल बोर्ड को भारत सरकार ने 1955 में राजस्थान सरकार को सौंप दिया। भूमिगत जल बोर्ड का कार्यालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान सरकार ने भूमिगत जल बोर्ड का नाम 1971 में भू जल विभाग कर दिया। इस तरह हमने देखा कि राजस्थान की अपवाह प्रणाली का अध्ययन किया। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।